आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने गजब बयान दिया। बहुत कम लोग ऐसी हिम्मत कर सकते हैं, पहली बार किसी ने खुलकर बोला है। संवाददाता आला रखा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सच्ची को सामने रख दिया है। किसानों पर अंशु गैस के गोले छोड़े गए, 700 किसान की शहादत हुई, छात्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन बस यही कहा गया, तुम मुसलमानों से लड़ रहे हो। यही काम है आपको, कहते हैं बेरोजगारी से तुमको मारेंगे। नौजवानों बोलना मत, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तुमको दौड़ा दौड़ा के घसीट घसीट के प्रयागराज के हॉस्टल से, जूते से, लात से, लाठियों से, बर्बरता से पीटेंगे, लेकिन नौजवानों एक भी शब्द मत बोलना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी में शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं होंगी, तुमको दवा भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और तुमको बेड का इंतजाम भी नहीं होगा। मर जाना, भले ही तुम्हारी घाट पर लाश सड़ती हुई मिले, चील कौवे कुत्ते रोचते रहे, लेकिन रोना चीखना मत, मुसलमानों से लड़ रहे हैं। महंगाई के कारण तुम्हारी कमर टूट जाए, तुम्हारे घर में चूल्हे न जले, लेकिन आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। देश का किसान भले ही एक साल तक सड़कों पर बैठा रहे, आंसू गैस के गोले भी हम छोड़ेंगे, लाठियों से पिटवाएंगे भी, उनको खालिस्तानी भी कहेंगे, पाकिस्तानी भी कहेंगे, मवाली कहेंगे, 750 किसानों की शहादत भी लेंगे, लेकिन एक आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। अरे बेईमानो, मुसलमानों से लड़ने के नाम पर तुमने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, अब ये बर्बादी हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? आपको आपकी जेब काटी जा रही है, आपको मरने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है, आप बेरोजगारी में मार खा रहे हो, आप किसानी में मार खा रहे हो, आप महंगाई में मार खा रहे हो, सिर्फ एक लकड़ सूंघा लोगों ने आपको नशा सूंघा दिया है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इनसे एक ही बात कहना, हिंदू मुसलमान बंद करो, और हमारे घर का नौजवान बेरोजगार है, पहले उसकी नौकरी की बात करो।